अलगू माई YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ स्टिचिंग आइडिया आई जस्ट होप कि मेरी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी तो चलते हैं और देख लेते हैं अपने फर्स्ट ड्रेस की डिज़ाइनिंग कि मैंने इसको किस तरह से स्टिच करवाया है थ्री पीसीस ये ड्रेस है जो मैंने लाइम से बाई किया था लाइम विंटर कलेक्शन का ये मोस्ट डिमांडेड आर्टिकल था सो मैंने इसको किस तरह से स्टिच करवाया है मैंने इसका शॉपिंग हॉल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था सो so, सबसे पहले मैंने इसकी जो नेकलाइन है वो इस तरह से बैंड शेप में इसकी वीकट के साथ नेकलाइन है देन इसकी दोनों साइड्स पर मैंने इस तरह से ये प्लेट्स अटैच करवाई हैं इसको मैंने फ्रॉक स्टाइल में ही स्टिच करवाया है बट मैंने जो इसकी चौक है वो उसके ओपन है सो so, आप देख सकते हैं लाइमलाइट हमेशा से ही मेरा फेवरेट ब्रांड रहा है और मुझे इसकी फैब्रिक हमेशा से बहुत पसंद रही है और मेरा एक्सपीरियंस भी लाइमलाइट के साथ हमेशा ही अच्छा रहा अब इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं तो इसके स्लीव्स की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से क्योंकि प्रिंटेड शर्ट है और ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग है तो मैंने इसलिए इसके स्लीवस या फिर इसको हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करवाई जस्ट आगे इस तरह से ये ट्राउज़र फैब्रिक के ही अटैच बना अटैच करवा दी हैं चलते हैं और देख लेते हैं इसके दामन की डिज़ाइनिंग तो दामन को मैंने कुछ इस मैंने उस पर भी कुछ इस तरह से कोई डिटेल डिज़ाइनिंग नहीं करवाई क्योंकि ऑलरेडी इस ड्रेस पर प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा है सो so जस्ट मैंने इस तरह से ये लेस अटैच करवाई है होपफुली मुझे ये मैचिंग बिल्कुल लेस इसके साथ जो कलर मैचिंग है उसके वो मिल गई थी तो फिर मैंने इसको जल्दी से बाई किया और फिर इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर चौक पर और दामन पर इसको स्टिच करवाया है सो आप देख सकते हैं इससे जो इसकी लुक है उस वो इन्हैंस हो गई है सो so, ये थी इसकी ओवरऑल लुक चलते हैं अब इसकी ट्राउजर की डिजाइनिंग की तरफ तो ट्राउज़र भी मैंने इसका सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र स्टिच करवाया है कैप्टी स्टाइल में और ये जो पैच है ये इसके साथ अवेलेबल था तो फिर मैंने उसको अटैच करवाया है सो so, ये है जी इसका खूबसूरत सा दुपट्टा दुपट्टा आप देख सकती हैं लाइनिंग में इसका दुपट्टा है बॉर्डर के साथ सो so, ओवरऑल ये ड्रेस बहुत प्यारा था बहुत अच्छा स्टिच हुआ है आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगा होगा चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ सो so ये है जी हमारा नेक्स्ट ड्रेस ये शर्ट है सिंगल शर्ट जो मैंने बाय की थी और ये मैंने स्टिच बाय की थी तो मैंने सोचा है इसकी डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ होपफुली ये भी आपको अच्छी लगेगी सो so इस शर्ट का कलर जो है वो मुझे बहुत पसंद है डार्क मैरून शेड की ये शर्ट है बट कैमरा और लाइटिंग की वजह से इसका जो तो शेड है वो कुछ डिफरेंट ही नज़र आ रहा है बट अदरवाइज इसका कलर बहुत प्यारा था अब चलते हैं और देख लेते हैं इसकी नेकलाइन नेकलाइन इसकी राउंड शेप में नेकलाइन है दैन इस तरह से ये बैंड पट्टी इसके साथ अटैच की गई है जिस पर कुछ डिज़ाइनिंग है सबसे पहले लूप्स अटैच किए गए हैं दोनों साइड्स पर दैन इस पर समोसी बनाकर इस तरह से अटैच की गई है फिर लूप्स की डिज़ाइनिंग है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है इसी तरह से इसकी साइड्स पर भी कुछ डिज़ाइनिंग की गई है सो अगर नेकलाइन बिल्कुल सिंपल हो और एम्ब्रॉयड्रेड शर्ट हो तो उस पर इस तरह की जो नेक लाइन की डिज़ाइनिंग है वो आप करवा सकते हैं आपको पसंद आई है तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं अब चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर क्या डिज़ाइनिंग हुई है तो इसके साइड्स पर भी कुछ इस तरह से डिजाइनिंग है जैसे कि इसकी नेक लाइन पर डिज़ाइनिंग थी सेम एज इट इज़ साइड्स पर दोनों साइड्स पर इस तरह से कट लगवा कर, लग कर स्मोसी और लूप्स बनाकर उनके साथ इसकी डिज़ाइनिंग की गई है मैं आपको डिटेल में भी चेक करवा देती हूँ आप देख सकते हैं आपको पसंद आया आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें और किसी भी फैब्रिक पर प्रिंटेड या फिर प्लेन फैब्रिक पर आप इस तरह का डिज़ाइन स्टिच करवा सकते हैं मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं या आप देख सकते हैं कि फुली हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ये शर्ट है अब चलते हैं और देख लेते हैं इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग सो ये है जी इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग स्लीव्स पर सबसे पहले इस तरह से ये सीडी लेस अटैच की गई है देन ये इस तरह से बड़ी प्लेट्स हैं अगेन सीडी लेस अटैच की गई है और नीचे इस तरह, इस तरह से फिर, फिर प्लेट्स हैं देन लास्ट में फिर सीडी लेस है और ये बॉर्डर अटैच किया गया तो इस तरह से काफ़ी डिज़ाइनिंग की गई है स्लीव्स पर भी ये आप देख सकते हैं अगर पेन स्लीव्स हों तो उन पर यह डिज़ाइनिंग करवाई जा सकती है और ये बहुत प्यारी लगती है इस तरह से ये बॉर्डर इसके साथ ही अटैच किया गया है स्लीव्स पर अगर शर्ट सिंपल हो तो उसकी स्लीव्स पर अगर डिज़ाइनिंग हो तो वो आइडिया भी काफ़ी अच्छा लगता है सो अब चलते हैं और देख लेते हैं इसके दामन की डिज़ाइनिंग तो दामन जो है आप देख सकते हैं कि चिकनकारी जो है वो इसका फुली एम्ब्रॉयड दामन है और उस पर इस तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच भी अवेलेबल है सो आई जस्ट होप कि मेरी ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आया होगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल